तेजस्वी अपना चरमा कोटि कोटि जन्म कहाँ आप परम पूज्य 108 विशाल भारत द्वितीय गुरु पावन में परंपरा में महाप्रभु जी ने 70मी पेढ़ी में पाडुभाव थयो छे। आप श्री विठ्ठलनाथ जी ना स्वरूप की सेवा चेन्नई में करी रहा छो। आपनो स्वभाव खूब सरल अने सुंदर छे अने आपने सेवा सुंदर अने सॉरी जी श्रृंगार अने सजावट माटे विशेष रुचि करी रहा छो। आप श्री पुष्टि मार्गना प्रणालिकामां परंपरामां आगळ आग्रह राखी रहा छो। आप श्रीना बालकाल्यमां दरेक प्रवृत्तिमां रहता आपनी अनोखी सुंदर प्रवचन शैलीने कारणे आप विद्यालयमां भगवद गीता अन्य ग्रंथोनुं पाठन करावो छो। देश विदेशमां प्रवास करी पुष्टि मार्गमां प्रचार कर्यो छे अने बैठक यात्रामां वज्रातानुं पण सुंदर आयोजन करीने चेन्नई अने सौराष्ट्रना અને અમેરિકાના વૈષ્ણવો ને દિવ્ય લાભ આપી રહ્યા છો। આખા વર્લ્ડના વૈષ્ણવો દિવ્ય લાભ આપી રહ્યા છો। આપ ઉદાર સ્વભાવ વાળા છો। આપનો સંપર્ક આવતા દરેક વૈષ્ણવો ને સાથે સુખદ મધુર સંબંધ રાખો છો। શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના ચરણોમાં નર્મ નિવેદન કરતા આપના પુષ્ટિ માર્ગના સર્વત્ર પ્રચાર પ્રચાર કરતા રહો છો અને વૈષ્ણવને સૃષ્ટિનું ભાવ પોષણ આપી રહ્યા છો। આપનું આજના વચનામૃતનો પ્રારંભ કરીને આપને સુખ મધુર વાણીને લાભ આપો અને અમારા વૈષ્ણવનું ભાવ પોષણ કરો। આજના વચનામૃતનો પુરુષાર્થ કરો। શ્રી વલ્લભાદી સખી શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवतीय वैष्णवों का मैं विशाल बाबा चेन्नई से विवेक धैर्याश्रय के 7वें सत्र के पहले दिन में खूब खूब स्वागत करता हूं। जिनके निमित्त इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले 3 वर्षों से लगातार होता आ रहा है, ऐसे स्मिताबेन और उनका साथ देने वाले श्रीनाथ जी वचनामृत से जुड़े दूसरे सभी भगवतीय वैष्णवों को खूब खूब बधाई और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से, आप सबके परिश्रम से ये कार्यक्रम आज भी ठाकुर जी कृपा से सुंदर रीत से चलता आ रहा है। विवेक धैर्याश्रय के पिछले सत्र में अपन धैर्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जहां श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि 3 प्रकार के दुखों को सहन करो, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, कायिक वाचिक मानसिक और काल कर्म और स्वभाव। ये 3 प्रकार के दुख, अथवा तो आप और थोड़ा डीप में जाओ तो 3 × 3 9 प्रकार के दुखों को सहन करो। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी आज्ञा करी कि भगवान की इच्छा से अगर आपके दुख अपने आप बिना कोई विशेष प्रयत्न के अगर जो टल जाते हो तो जबरदस्ती दुखों को सहन करने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। फिर इसके बाद श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि मन में आपकी जितनी भी कामनाएं उत्पन्न होती हैं जिनका संबंध ठाकुर जी के साथ नहीं है, ऐसी कामनाओं का आप शरीर, वाणी और मन से त्याग करो। ये सारे उपाय करने के बाद भी अगर जो आप धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हो तो खुद में असामर्थ्यता की भावना करो। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं, मैं कितना असमर्थ हूं, मैं कितना शक्तिहीन हूं कि मेरे गुरु ने मेरे को एक आज्ञा करी और मेरे से उसका भी पालन नहीं हुआ। इस प्रकार से आप खुद के असामर्थ्यता की भावना करो, मन में इस प्रकार की ग्लानि, मन में इस प्रकार का गिल्ट ही एक शुभ दिन आपके अंदर लौकिक विषयों के प्रति जो आकर्षण है उसको घटाएगा और अलौकिक के प्रति आपके आकर्षण को धीरे धीरे बढ़ाएगा। यहां तक श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी थी और इसकी चर्चा अपन ने पिछले सत्र तक में करी थी। अब आगे श्री महाप्रभु जी 9वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि अगर आप खुद की निंदा करने में भी असमर्थ हो, अशूरेणापि कर्तव्यम स्वस्य असामर्थ्य भावना, ये भावना करने में भी अगर आप असमर्थ हो, अगर आप खुद की निंदा भी नहीं कर पा रहे तब अपन को धैर्य किस प्रकार से धारण करना चाहिए। तो श्री महाप्रभु जी 9वें श्लोक में आज्ञा करते हैं कि अशक्य हरि ही एव अस्ति स्वस्य आश्रय तो भवेत् एतत् सहन मात्रोक्तम आश्रयतो निरूप्यते। अशक्य परिस्थिति में जब अपन खुद की निंदा करने में भी अशक्य हैं,
अपन खुद की निंदा भी नहीं कर पा रहे, अपने को वो गलत नहीं लग रहा है, ऐसी अशक्य परिस्थिति में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हरि ही एव अस्ति, ठाकुर जी का आश्रय करो, ठाकुर जी का आश्रय करने से ही सब कुछ सिद्ध होगा। अब देखो जैसा महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि तीनों प्रकार के दुखों को सहन करो, देह संबंधी जब भी आपको दुख नड़े तो उसमें छाछ की तरह भावना करो, आपको मन बुद्धि संबंधित जब भी दुख नड़े तब आप जड़ भरत की तरह भावना करो, आदि दैविक दुख जब आपको नड़े तब आप गोप पत्नियों की तरह भावना करो। फिर महाप्रभु जी आज्ञा करते कि घर वालों का, दोस्तों का, जात समाज के जो लोग हैं वो जो अगर आप पे आक्रमण करते हो, आपको ताना मारते हो, आपके साथ झगड़ा करते हो या क्लेश करते हो तो उनके दुख को भी सहन करो। खुद के लिए अगर आप कोई इंद्रिय कार्य कर रहे हो खुद की इच्छा से जिसमें ठाकुर जी का कोई हेतु नहीं है तो उसका त्याग करो, शरीर वाणी और मन से त्याग करो। अगर आप त्याग नहीं कर पा रहे हो तो खुद के असामर्थ्य होने की भावना करो। अब जब आप खुद को असामर्थ्य भी मानने को तैयार नहीं हो, आपके अंदर ये भावना भी नहीं उत्पन्न हो रही कि मैं मेरी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मैं कितना असमर्थ हूं, जब आपसे खुद की निंदा भी नहीं हो पा रही है तब धैर्य कैसे धारण करना चाहिए। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हरि ही एव अस्ति, ठाकुर जी के शरण की भावना करो, अब मेरा जो कुछ भी है वो सब ठाकुर जी सिद्ध करेंगे, इस प्रकार से आप भावना करो। अब तक आपने विवेक धारण करने के, धैर्य धारण करने के आपने अनेक प्रयत्न कर लिए, जो महाप्रभु जी ने अब तक 8 श्लोकों के द्वारा अपन को उपाय बताए, ये सब उपाय अपन ने करके देख लिए, लेकिन अपन से ये सब उपाय में अपन फेल हो गए, ये सब उपाय अपने काम नहीं आ रहे हैं। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि हरि ही एव अस्ति, ठाकुर जी के शरण की भावना करो। अब यह प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ठाकुर जी के शरणागति की भावना करने से धैर्य कैसे सिद्ध होगा। तो श्री महाप्रभु जी उत्तर देते हैं कि सर्वम आश्रय तो भवेत, भगवद आश्रय से अपने सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, होते थे, होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। अब यहां अपन को महाप्रभु जी से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि जीजे खाली आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको इसका प्रमाण देना पड़ेगा। आप मेरे पास कोई समस्या लेकर आओ, मैं बोला भाई ठाकुर जी पर विश्वास रखो, बोले जीजे अब आप गारंटी लेने कही सको छो कि ठाकुर जी ऊपर विश्वास रखवाती, भगवत आश्रय धारण करवाती, मारू बधु सिद्ध थी जैसे। बोला हाँ भाई हूँ गारंटी ले सको छो। केवी रीते, क्या आधार है? मैं ठाकुर जी गीता में आज्ञा करी छे, गीता के 18वें अध्याय में, और गीता के 18वें अध्याय में भी लगभग अंत के भाग में ठाकुर जी अर्जुन को पूरा ज्ञान, कर्म और भक्ति का उपदेश देने के बाद अंत में ठाकुर जी अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुच। ये ठाकुर जी गारंटी दे रहे हैं अपन सबको कि जब आपसे विवेक धारण नहीं हो रहा है, जब आपसे धैर्य धारण नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपका भगवत आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता, तब गीता के ठाकुर जी के इस वचन को याद करो। ठाकुर जी अर्जुन को कह रहे, सर्व धर्मों का त्याग करके तू मेरी शरण में आ। सर्व धर्म એટલે કયા કયા ધર્મ? અપને લૌકિક ધર્મ હે ઉનકા ભી ત્યાગ કરો। ત્યાગ કરને કા અર્થ યે નહીં કે આપ ઉનકો કરો મત, આપ કરો પર ખુદ કી ભાવના સે મત કરો। લૌકિક ધર્મો કા ત્યાગ કરો, વૈદિક ધર્મો કા ત્યાગ કરો, યહાં તક કે અલૌકિક ધર્મો કા ભી ત્યાગ કરકે આપ સિર્ફ ઓર સિર્ફ મેરી શરણાગતિ સ્વીકાર લો। भगवान अर्जुन का आज्ञा करें कि अर्जुन तू ज्ञान का आश्रय छोड़, तू कर्म का आश्रय छोड़, तू भक्ति का आश्रय भी छोड़ दे, तेरे से भक्ति भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, तू भक्ति का आश्रय भी छोड़ दे, ये सब छोड़ छाड़ के तू सिर्फ और सिर्फ मेरी शरण में आ, मेरा आश्रय कर। अर्थात अब मैं जैसे बोलूं तू वैसे कर, तेरे को जीवन में जो कुछ भी करना है तू वो कर, पर मेरी आज्ञा समझ के कर, मेरी इच्छा जान के कर, के ठाकुर जी आपसे कराना चाहते हैं तो करो, ठाकुर जी ने वचमा राखी ने तुम्हें बद्धा कार्य करो। अब ये मत तुम्हारे घोटाड़ो करवो होए, तुम्हारे सारा कार्य करवा होए, तुमने जे करवो होए ते करो, ठाकुर जी ने वचमा राखी ने करो, अने पछी मने कहजो कि केटलो घोटाड़ो थाय छे ने केटलो न थतो। आजे जे घोटाड़ाओ थाय छे ए केम थाय छे कि आपणे ठाकुर जी ने वचमा राखता नथी। आपणने खबर छे जो वचमा राखशो तो घोटाड़ो थशे नहीं आपणाथी, એટલે આપણે ઠાકોરજીના બાજુમાં મૂકી દઈએ છીએ, કારણ કે આપણને ઘોટાળો કરવાનો છે।
ચાહે સેવામાં કહો, લૌકિકમાં કહો, વૈદિકમાં કહો, આપણે કઈ જગ્યાએ ઘોટાળો નથી કરતા. અપન કહા ઘોટાલા નહીં કરતા, અપન સબ જગ્યાએ ઘોટાલા કરતે. ઓર અપન યે બાત બહોત અચ્છે સે જાનતે હૈ કે અગર જો અપન ઠાકુરજી કો બીચ પર રખેંગે તો અપન સે ઘોટાલા હોગા નહીં. इसलिए ठाकुर जी अर्जुन को यही आज्ञा कर रहे, तू मेरे शरण में आ जा, तू मेरा आश्रय कर, मैं जैसे बोलूं तू वैसे कर, तेरे सर्व कार्य सिद्ध हो जाएंगे. तो गीता के श्लोक से ये बात सिद्ध होती है कि भगवान ही सर्व पापों के नाशक है. आपसे होते जितने भी पाप हैं, चलो अपन से हो गए, हवे शु, अगर उसको दूर करना है तो भगवत आश्रय ही एकमात्र साधन है. ठाकुर जी आपके सर्व पापों को दूर करेंगे और आपके सर्व प्रकार के शोक का निवारण करेंगे और इसी से आपका धैर्य सिद्ध होगा. भगवत शरणागति से ही आपका धैर्य सिद्ध होगा. इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अगर जो आपने शरणागति ठाकुर जी की स्वीकार ली, भगवत आश्रय सिद्ध कर लिया, तो विवेक और धैर्य दोनों ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएंगे. इसलिए श्री महाप्रभु जी आगे लिखते हैं कि एतत् सहन मात्रोक्तम आश्रयतो निरूप्यते. अब तक श्री महाप्रभु जी का आठवें श्लोक तक जो उनका फोकस था वो धैर्य के ऊपर था, लेकिन अब आगे जो श्लोक आएंगे, दस के आगे जितने भी श्लोक आएंगे सत्तरवें श्लोक तक, वहां पे महाप्रभु जी का फोकस आश्रय के ऊपर है. अब महाप्रभु जी आगे के श्लोकों के द्वारा आश्रय का स्वतंत्र रूप से निरूपण करेंगे. अब तक जो श्री महाप्रभु जी ने विवेक और धैर्य की इस ग्रंथ में जो चर्चा करी वो अंततः आश्रय को सिद्ध करने के लिए ही करी है. महाप्रभु जी ने आश्रय से अलग किसी विवेक की चर्चा नहीं करी है, आश्रय से अलग किसी धैर्य की चर्चा नहीं करी है. विवेक और धैर्य भी आश्रय की सिद्धि के लिए ही बताए हैं. लेकिन विवेक और धैर्य के द्वारा अगर जो आप भगवद आश्रय सिद्ध कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन और विवेक और धैर्य के द्वारा भी अगर जो आप आश्रय सिद्ध नहीं कर पा रहे हो, तो उन वैष्णवों के लिए भाई जिनसे विवेक भी सिद्ध नहीं हुआ, जिन वैष्णवों से धैर्य भी सिद्ध नहीं हुआ, उनके लिए श्री महाप्रभु जी स्वतंत्र रूप से आश्रय का निरूपण कर रहे हैं आगे के श्लोकों के द्वारा. अब महाप्रभु जी आश्रय का निरूपण करेंगे. अब यह आश्रय के निरूपण में जाने से पहले अपन को आश्रय शब्द को समझना जरूरी है कि आश्रय इटले शु. अबे जो हूं वैष्णव ने पूछू कि आश्रय इटले शु, तमे शु जवाब आपसो? तमने खबर छे आश्रय नो अर्थ शु थाय छे? तमे बद्दा बोलो छो, आप सब खाली बोलते हो कि ना ना, हमें तो ठाकुर जी ना आश्रय में छे ने अमारा आधार तो ठाकुर जी छे. तमे गीतो गाओ छो, પણ તમને આશ્રયનો અર્થ ખબર છે? આશ્રય એટલે શું? શેની ચર્ચા શ્રી મહાપ્રભુજી હવે આગળ કરવાના છે? સંસ્કૃત વ્યાકરણ મે કિસી ભી શબ્દ કા અર્થ અગર આપકો કરના હૈ વ્યાકરણ કે અનુસાર, તો ઉસકે દો પ્રકાર હૈ, બે પદ્ધતિઓ છે અર્થ કરવાની. એક છે યૌગિક અર્થ ઓર એક છે યોગ રૂઢ અર્થ. હવે થોડું વ્યાકરણ છે, ગભરાતા નહીં, હું સરળતાથી સમજાવીશ. યૌગિક અર્થ યાની જબ આપકા જો એક શબ્દ હૈ ઉસકો જબ આપ સંધિ કરોગે, ઉસકો જબ આપ દો પાર્ટ મે ડિવાઇડ કરોગે, દોનો પાર્ટ કે અપને સ્વતંત્ર અર્થ બનેંગે. ઉન અર્થો કો ભી જોડ દો, જૈસે આપ શબ્દ કો જોડતે હો વૈસે અર્થ કો ભી જોડ દો, તો આપકો મિલેગા યૌગિક અર્થ. જૈસે દેવાલય, દેવાલય એટલે દેવ પણ એક શબ્દ છે, આલય પણ એક શબ્દ છે. દેવનો પણ એક સ્વતંત્ર અર્થ છે, આલયનો પણ એક સ્વતંત્ર અર્થ છે. જેમ તમે બંને શબ્દને જોડો છો તેમ તમે બંને અર્થોને પણ જોડી દો તો તમને શબ્દનો અર્થ મળી જશે. દેવાલય, પછી રાજપુરુષ. પોલિટિક્સમાં કોઈ હોય તો આપણે કહીએ રાજપુરુષ. આ તો જૂનો શબ્દ છે, આજે તો કોઈ ઉપયોગ, આ બધા પોલિટિક્સ 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 કહે છે, એનો જૂનો શબ્દ છે રાજપુરુષ. રાજપુરુષ એટલે રાજનો પણ એક અર્થ થાય છે, પુરુષનો પણ એક અર્થ થાય છે. બંનેને જોડો તો તમને અર્થ મળી જશે. હિમાલય, હિમ કા ભી એક સ્વતંત્ર અર્થ હૈ, આલય કા ભી એક સ્વતંત્ર અર્થ હૈ. દોનો અર્થ કો જોડોગે તો આપકો હિમાલય શબ્દ મિલ જાયેગા. તો યે જો અર્થ કરને કા જો પ્રકાર હૈ ઇસકો બોલતે યૌગિક અર્થ. યે જો અર્થ હૈ યે હૈ યૌગિક અર્થ. ઇસકે અલાવા એક ઓર અર્થ બનતા હૈ, યે હૈ યોગ રૂઢ અર્થ. યોગ રૂઢ એટલે શું? કે એક શબ્દનો સાધારણ અર્થ તો છે,
હવે ઉદાહરણ કે તોર પે પંકજ, હવે પંકજ નો શું અર્થ છે? પંકજ એટલે કોઈને ખબર છે? પંકજ એટલે કમળ, બરાબર? પંકજ એટલે કમળ, પર પંકજ નો અર્થ કમળ નથી. પંકજ શબ્દ કા અર્થ કમલ નહીં હૈ, પંકજ શબ્દ કા અર્થ હૈ કીચડ મેં ઉત્પન્ન હોને વાલા. પંક પ્લસ જ પંકજ, પંકજ શબ્દ કા અર્થ હૈ કીચડ મેં ઉત્પન્ન હોને વાલા. પર જબ ભી આપ પંકજ શબ્દ કા ઉપયોગ કરતે હો તો આપ કીચડ કે સાથ સંબંધ નહીં કરતે, આપ કમલ કે સાથ ઉસકા સંબંધ કરતે. આપ સાધારણ અર્થ ગ્રહણ નહીં કરતે હો, આપ એક વિશેષ અર્થ કો ગ્રહણ કરતે હો. और उस अर्थ में वो शब्द फिक्स हो गया, उसको बोलते योग रूढ़ अर्थ. जिस शब्द का आप साधारण अर्थ नहीं लेकर विशेष अर्थ ग्रहण करते हो और वो विशेष अर्थ ही उस शब्द के साथ जुड़ जाता है, फिक्स हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, उसको बोलते योग रूढ़ अर्थ. एक और उदाहरण देता हूं. अब मुरलीधर एटले शू? कृष्ण. મુરલીધર એટલે કૃષ્ણ. મુરલીધર નો અર્થ કૃષ્ણ થાય છે. મુરલીધર શબ્દ નો સાધારણ અર્થ શું થાય છે? મુરલીધર શબ્દ કા સાધારણ અર્થ ક્યા હૈ? મુરલી કો ધારણ કરને વાલા. અબ જો ફ્લૂટ બેચતા હૈ, જો મુરલી બેચતા હૈ, વો ભી મુરલીધર હૈ કે નહીં? પર અપન ઉસકો મુરલીધર બુલાતે નહીં? બુલાતે. ક્યો? ક્યોંકી વો અર્થ કૃષ્ણ કે લિયે ફિક્સ હો ગયા. जब भी आप मुरलीधर शब्द का प्रयोग करते हो, आप कृष्ण की बात कर रहे हो, फ्लूट बेचने वाले की अपन बात नहीं करते. क्यों? भले मुरली का शब्द होता है, मुरलीधर का शब्द होता है, फ्लूट बेचने वाला भी मुरलीधर है क्योंकि उसने धारण करके रखी है मुरली, पर उसके लिए अपन मुरलीधर शब्द का प्रयोग नहीं करते, कृष्ण के लिए करते हैं क्योंकि कृष्ण के लिए वो अर्थ रूढ़ हो गया, फिक्स हो गया. ऐसे ही मैं एक और शब्द देता हूं, नीलकंठ. નીલકંઠ એટલે શિવજી. નીલકંઠ એટલે શિવજી. હોલી કા સમય હૈ, ધારો કે અપન કભી હોલી કે સમય પે મિલે ઓર આપને મેરે કો બ્લુ કલર લગા દિયા જિસ વજહ સે મેરા કંઠ નીલા હો ગયા. બોલો અબ મેં ખુદ કો નીલકંઠ બોલ સકતા હું કે નહીં બોલ સકતા? હું નીલકંઠ છું. કેમ? કંઠ તો મારો પણ નીળો થયો કે નહીં? मेरा कंठ नीला है कि नहीं? नीलकंठ नो अर्थ शू छे? जिसका कंठ नीला है. अब मैं होली में कलर करके अपना कंठ नीला करके मैं बोल सकता हूं अबे आज से बद्दा मने नीलकंठ बोला हो जो मने कोई ये विशाल बाबा बोला होता नहीं. बोलो चाल से कि नहीं चाल से? केम? कारण के नीलकंठ शब्द जे छे ए शिवजी माटे रूढ़ थई गयो छे, ए फिक्स थई गयो छे. अबे नीलकंठ एटले शिवजी. आप नीलकंठ शब्द का प्रयोग शिवजी के लिए करते हो, किसी अन्य व्यक्ति के लिए नहीं करते, भले ही ना उसका कंठ नीला हो. तो ऐसे ही आश्रय शब्द का अर्थ बनता है चारों बाजू से सेवन करना. आश्रय सरल अर्थ, एकदम सरल अर्थ. अगर आप एक एक शब्दों को तोड़ के उसका अर्थ करोगे तो आश्रय शब्द का अर्थ बनता है चारों बाजू से सेवन करना. पर इस अर्थ में अपन आश्रय शब्द का उपयोग नहीं करते. आश्रय शब्द का मूल अर्थ जो अपन को पकड़ना है वो है आधार. आश्रय शब्द आधार के अर्थ में ही रूढ़ हो गया है, फिक्स हो गया है. आश्रय शब्द का आपको यौगिक अर्थ नहीं करना है, योग रूढ़ अर्थ करना है. इसलिए आश्रय शब्द का अर्थ बनता है आधार. जब भी अपने संप्रदाय में और खास करके इस ग्रंथ में आश्रय शब्द की चर्चा हो तो आपको उसका अर्थ करना है आधार. मैं भगवान का आश्रय मैंने लिया है, अर्थात मैं भगवान के आधार पे हूं. आधार एटले भरोसे, मैं भगवान के भरोसे हूं. आप आपके पैरों के आधार पे खड़े हो, अगर जो आपका आधार हट गया तो आप गिर जाओगे. ऐसे ही ठाकुर जी को जो अगर आपने हटा दिया, बाजू में रख लिया, तो अपन सांप्रदायिक जीवन में गिर जाए. सांप्रदायिक क्या, मैं तो बोलूंगा आप लौकिक जीवन में भी गिर जाओगे. ठाकुर आज अपन आप खाली पद में गाते हो, मेरो तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद, पर खरेखर तमे वल्लभ ना चरणारविंद नो आधार लीधु छे? अगर जो आप महाप्रभु जी के चरणों के आधार पे हो
तो आपने उनका आश्रय किया है। बाकी केवल गीत गाने से ये अर्थ सिद्ध नहीं होता कि अपन ने उनका आधार लिया, उसको आपको आचरण में भी लाना होगा, तब आप साबित कर सकते कि नहीं मेरे तो आधार श्री वल्लभ के ही चरणारविंद है, महाप्रभु जी के ठाकुर जी के ही चरणारविंद को मैंने अपना आधार बना लिया है, अर्थात मैं उनके आश्रय में हूं। अब आप जेम केसो तेम, ये आश्रय का मूल अर्थ होता है कि जब आप पूरी तरह से सामने वाले को सरेंडर हो जाओ और सामने वाला आपसे जब जिस समय जो कार्य कराए आप उस प्रकार से अपने कार्य करो, ये आश्रय और आधार का मूल अर्थ, तब आप कह सकते हो कि आप महाप्रभु जी के आधार पे हो, आपने ठाकुर जी का आश्रय लिया है, उनके चरणारविंद का आश्रय लिया है। अब यह मुख्य प्रश्न ये है कि अगर जो आश्रय से ही सब कुछ सिद्ध करना है तो आपको विवेक और धैर्य बताने की जरूरत क्या थी। महाप्रभु जी से अपन को प्रश्न पूछना चाहिए कि जे जे आवे आपे सात श्लोक द्वारा आश्रय नु निरूपण कर्यु छे अने विवेक धैर्य आश्रय मा टोटल 70 श्लोक छे, 7 से 8 श्लोकों के द्वारा आपने आश्रय का निरूपण किया है और विवेक धैर्य आश्रय में टोटल 17 श्लोक है, तो आप पहले के 9 श्लोक को पहले ही छोड़ देते, डायरेक्ट आप आश्रय का निरूपण कर देते। आपने 9 श्लोकों के द्वारा विवेक और धैर्य का निरूपण क्यों किया, सीधा आप आश्रय का निरूपण कर देते जब आश्रय से ही सब कुछ सिद्ध होना है। तो यहां समझने की बात यह है कि आश्रय का निरूपण महाप्रभु जी ने आपको सबसे अंत में इसलिए दिया है कि जब आपके ये सारे कार्य भी अगर जो फेल हो जाए, ये सारे उपाय भी फेल हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए। अगर जो महाप्रभु जी पहले ही भगवद आश्रय का प्रकार बता देते तो आप विवेक और धैर्य के जो प्रयत्न है ये भी आप नहीं करते, आप आपकी तरफ से होने वाले प्रयत्न बिल्कुल नहीं करते। आप प्रयत्न करो, महाप्रभु जी चाहते कि आप विवेक पहले सिद्ध करने की कोशिश करो, धैर्य सिद्ध करने की कोशिश करो। विवेक और धैर्य अगर आप दोनों सिद्ध कर लोगे तो आपका भगवद आश्रय भी ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा। लेकिन यह आश्रय का स्वतंत्र रूप से निरूपण आपने सिर्फ और सिर्फ इस कारण से किया है कि आपका भगवद आश्रय इसलिए नहीं छूटना चाहिए कि आपने विवेक सिद्ध नहीं किया, आपने धैर्य सिद्ध नहीं किया। विवेक और धैर्य के द्वारा अगर आप भगवद आश्रय में पहुंच रहे हो तो सबसे उत्तम प्रकार है ये। लेकिन भगवत शरणागति भगवद आश्रय आपका इसलिए नहीं छूटना चाहिए, अरे आना माटे मारू भगवद आश्रय छूटी गयो कारण के मारू विवेक रह गयो, मारू धैर्य रह गयो, ये वैष्णव के साथ नहीं होना चाहिए। महाप्रभु जी नहीं चाहते कि कोई भी वैष्णव इस बात को लेकर रिग्रेट करे कि अरे मेरे से विवेक सिद्ध नहीं हुआ ना इसलिए भगवद आश्रय छूट गया, मेरे से धैर्य सिद्ध नहीं हुआ, धैर्य धारण नहीं कर पाए इसलिए भगवद आश्रय सिद्ध नहीं हुआ। महाप्रभु जी नहीं चाहते कि कोई भी वैष्णव ये रिग्रेट करे। थ्रू चैनल स्टेप बाय स्टेप अगर आपने सिद्ध कर लिया तो सबसे बढ़िया, लेकिन अगर आप जो स्टेप बाय स्टेप सिद्ध नहीं कर पाए तो ऐसे वैष्णवों के लिए महाप्रभु जी ने आश्रय का स्वतंत्र रूप से निरूपण किया है ताकि आपका भगवद आश्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटे। आप प्रयत्न करो और नहीं आपका भगवद आश्रय सिद्ध हुआ कोई बात नहीं, आप ये प्रयत्न कर लो, आपका भगवद आश्रय किसी भी परिस्थिति में नहीं छूटना चाहिए, इसलिए श्री महाप्रभु जी 10वें श्लोक से 70वें श्लोक तक में आपको भगवद आश्रय सिद्ध करने का प्रकार समझा रहे हैं कि आपका विवेक फेल हो गया कोई बात नहीं, आपका धैर्य फेल हो गया कोई बात नहीं, अब आप ये करो क्या करना चाहिए अपन को। तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि एहि के पार लोके च सर्वथा शरणम हरि दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूर्णे। एहिक अर्थात इस जन्म से जुड़े आपके जितने भी कार्य हैं वो सब एहिक, कौन कौन से कार्य, नौकरी करना, बिजनेस करना, जात व्यवहार निभाना, आपके सगे संबंधियों के साथ आपके संबंध निभाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, बच्चों की शादी करना, घर बांधना, टैक्स भरना, पैसा कमाना, जो कुछ भी आप इस लोक से संबंधित करते हो वो सब ऐहिक, ऐसे सभी कार्य को अपन ऐहिक बोलते हैं। ऐहिक, ऐहिके
पारलोके च, पारलोकिक यानी जो इस लोक से संबंध नहीं रखता वो सब पारलौकिक। उदाहरण के तौर पर अभी अधिक महीना आने वाला है, आप लोग सब अधिक महीना का नियम लोगे कि नहीं लोगे? 99% हर वैष्णव अधिक महीना का कोई ना कोई नियम ले। कुछ कुछ वैष्णव के नियम इतने विचित्र होते हैं ना, अबे हूँ आखो महीनो चा नहीं लेश, हूँ आखो महीनो मग नहीं खाईश। अरे आपके चाय पीने से, आपके मूंग खाने से ठाकुर जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रेम से आप चाय पियो, आप प्रेम से दाल खाओ, मूंग खाओ, कोई आपको हाँ तमे आवो नियम लो ना, हूँ आखो महीनो बाहर नु नहीं खाईश तो बराबर छे। हूँ आखो महीनो आ नहीं लेश, आ नहीं करीश पेलू। भाई आ अधिक महीना नो नियम छे, कोई नशा मुक्ति केंद्र नथी। तवे मोटा भागे वैष्णव अधिक महीना में नियम लेशे, ज्यादातर वैष्णव नियम लेंगे। अधिक महीना के 30 दिन में 29 दिन 29 दिवस तमारो नियम नो पालन थयो, बहु सुंदर रीते थयो, ठाकुर जी खूब कृपा करी। छेल्ले दिवसे तमारो नियम तूटी गयो, छेल्ले दिवसे अमावस्या दिवसे तमारो नियम तूटी गयो। बोलो हवे तमारा मन में शू विचार आवशे, तमारा मन में शू भाव आवशे? अरे मारो नियम तूटी गयो, मेरा नियम तूट गया, अब मेरे को जो इसका फल मिलना है वो फल नहीं मिलेगा, अरे मारा थी अपराध थी गयो, अबे मने आनो दंड भोगवो पड़शे। आ बधु पारलौकिक, आ बधु पारलौकिक। तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे कि अगर जो आपका अधिक महीने का नियम भगवान नहीं करे, पर अगर जो टूट जाए कोई कारण से, सर्वथा शरणम हरि, तब भी आप ठाकुर जी के शरण की भावना करो, ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार करो। आपके ठाकुर जी से पूछो, प्रभु मारा थी शू भूल थी, तमे के मावी प्रेरणा करी, के मारा थी नियम, मारू नियम नहीं पड़ायू, मारा थी के मारू नियम तूटी गयो। तमे ठाकुर जी सन्मुख थई जाओ, पण आवा समय मा पण बीजा कोई ने दोष आपता नहीं, ठाकुर जी सन्मुख जता रहो, ठाकुर जी नी शरणागति स्वीकारी लो। केम ठाकुर जी तमने गमतू नथी, हूँ कहीं सारू कार्य करूँ तो, हूँ कहीं पुण्य कार्य करूँ आपने गमतू नथी, तो पछी मारा ते आगर पाप करावता नहीं, ठाकुर जी ने ज अल्टीमेटम आपी देजो। सबसे ज्यादा पुण्य कौन कमाने की इच्छा करेगा? जिसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पाप किए हो। जिसने जीवन में ज्यादा पाप नहीं किए होंगे ना, उसको पुण्य को लेके भी कोई बहुत विशेष रुचि नहीं रहेगी। थी जाए तो सारू, नहीं था तो वांदो नहीं। तो आपसे अगर आपका कोई एकादशी का नियम, कोई अधिक महीना का नियम, किसी भी प्रकार का नियम अगर किसी हेतु से आपने लिया हो और जो अगर वो टूट जाए, ऐसी परिस्थिति में भी सर्वथा शरणम हरि। अब यहां पारलौकिक शब्द का एक और अर्थ बनता है। पारलौकिक यानी मरने के बाद, मरण पश्चात जिस लोक में अपन को स्थान मिले। टोटल 14 लोक है एक ब्रह्मांड के अंदर, एक यूनिवर्स के अंदर 14 लोक आते हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, पातालात ब्रह्म लोकांतम ब्रह्मांडम परिकीर्तितम तद ऊर्ध्वंच वैकुंठ पंचाशत कोटि विस्तृत तद ऊर्ध्वंच गोलोक यत्र सन्निहितो हरि। पाताल लोक नीचे से सातवां लोक, यानी सबसे नीचे का जो लोक है वो पाताल लोक, और सबसे ऊपर का जो लोक है 14वें नंबर पे जो लोक है वो ब्रह्म लोक। नीचे आपके सात लोक आते हैं, धरती धरती को मिला के नीचे जब आप जाओगे तो सात लोक आते हैं, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। ये सात लोक आते हैं नीचे के। ऊपर के धरती को गिन लो अगर, तो आपके भूर लोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, मार लोक, जन लोक, तपलोक और सत्वलोक। सबसे ऊपर सत्वलोक, सत्वलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं। तो पाताल से लेकर सत्वलोक तक में, अथवा तो सत्वलोक से लेकर पाताल लोक तक में, ये टोटल 14 लोक में जहां पे भी आपको स्थान मिले मरने के पश्चात, आप जहां पे भी जाओ उन सभी लोकों में सर्वथा शरणम हरि। ये पूरा एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मलोक से लेके नीचे पाताल लोक तक में आप देखो, ये पूरा एक ब्रह्मांड है। और भागवत जी लिखता है कि तद ऊर्ध्वंच वैकुंठ, वैकुंठ उसके ऊपर है।
ब्रह्मलोक के भी ऊपर है और पंचाशत कोटि विस्तृत 500 करोड़ योजन में वैकुंठ फैला हुआ है। 500 करोड़ योजन, एक योजन लगभग, अभी आपकी अमेरिकी भाषा में बोलूं तो 7.5 माइल, एक योजन 7.5 माइल है और 7.5 माइल यानी लगभग 12 किलोमीटर, एक योजन 12 किलोमीटर 7.5 माइल, और वैकुंठ कितना बड़ा है? 500 करोड़ योजन। હવે તમે બધા વાણિયા છો, તમે બધા કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો કેટલો મોટો છે ઠાકોરજીનું નગર, કેટલું મોટું છે તમે હિસાબ કરી લેજો। ત્યાં વૈકુંઠ છે, હવે એની ઉપર અથવા તો એની અંદર ગોલોક છે જ્યાં આપણા પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ નો નિવાસ છે। તો મરને કે બાદ યે 14 લોક મેં સે આપ જહાં ભી જાઓ, આપકે કર્મ કે આધાર પે આપકો જિસ ભી લોક મેં આપકો ગતિ મિલે, उस लोक में सर्वथा शरणम हरि। अब यहां आप लोगों को मेरे से एक प्रश्न पूछना चाहिए कि जे जे मरण पश्चात, अवे धारो के तमे ऊपर ना लोकों में नहीं गया, तमे नीचे ना लोकों में मा गया, सौती पहलो प्रश्न तो ए छे कि भगवदेव नी नीचे ना लोक में गति थाय। सौती पहलो प्रश्न, भगवदेव नी गति नीचे ना लोकों में थाय, नीचे ना 7 लोकों में जे छे थाय नहीं थाय? अगर जो थतु होय ने, अगर जो आपड़ी गति त्या, तो नक्की वात छे के आपड़े भगवदीय तो नोता। भले लौकिक मां तमे तमारा नामनी आगळ प भ लगाड़ी दो तेनो अर्थ ए नथी के तमे भगवदीय बनी गया। तो सौथी पहला तो भगवदीयोनी गति नीचेना लोको मां थती नथी, ऊपरनी तरफ ज भगवदीयोनी गति थाय छे। श्री रघुनाथ जी बहु सुंदर रीते एमनी टीका मां समझावी रह्या छे। रघुनाथ जी आज्ञा करते हैं कि गोलोक सिवाय भगवदियों को जिस भी लोक में गति मिले तो वो उनके लिए नरक के ही समान है। सबसे पहली बात, ठाकुर जी से धारो के तमने स्वर्ग में वास मिली गयो, स्वर्ग करता पण तमे ऊपर जाओ ना, पितृलोक वगैरह पण क्रॉस करीने तमे ब्रह्मलोक में जाता रहो, सौथी ऊंचो लोक छे, ऊंचा में ऊंचू आ ब्रह्मांड नी अंदर ऊंचा में ऊंचो अगर कोई लोक छे तो ते सत्वलोक छे, ब्रह्मलोक छे। ब्रह्मा जी के साथ आपको वहां रहने को मिलेगा। अगर जो आप पुष्टि जीव हो और आपकी गति सत्व लोक में हुई तो वो सत्व लोक भी आपके लिए नरक के समान है, क्योंकि वहां ठाकुर जी नहीं है, वहां ब्रह्मा जी है, तो वो आपके लिए नरक के ही समान है। सिर्फ नीचे के 7 लोक आपके लिए नरक नहीं है, आपके लिए तो ऊपर के 7 लोक भी भगवदियों के लिए तो नरक समान होने चाहिए, क्योंकि वो 7 लोक में ठाकुर जी नहीं है, ठाकुर जी उससे भी ऊपर है। अब ईमानदारी से एक प्रश्न का जवाब देना, आप ज्यादातर पुण्य स्वर्ग जाने के लिए कमाते हो कि नहीं कमाते हो? अरे बोलो, स्वर्ग जवू छे तुम्हारे, मर्या पछी स्वर्ग जवू छे, त्यां ठाकुर जी नथी, इंद्र छे, अग्नि छे, घणा बधा बीजा देवताओ बिराजे छे, त्यां देवताओ बिराजे छे, एमां ना नथी, घणा देवताओ बिराजे छे, त्यां तमने वास मळशे। बोलो, हवे तमारे स्वर्ग जवू छे? तो श्री रघुनाथ जी आज्ञा करते गोलोक सिवाय वैष्णवों को, भगवदियों को किसी भी लोक में अगर जो गति मिल जाए तो वो उसके लिए नरक समान है, और ऐसे नरक में भी अपन को सर्वथा शरणम हरि, पारलौकिक यही के पारलौके च सर्वथा शरणम हरि। अब यहाँ पे आपको मेरे से महाप्रभु जी से सबसे प्रश्न पूछने की जरूरत है कि जे अवे धारो के हमें नरक में गया, 14 लोक माथी कोई पण एक लोक मां में गया, हवे अमने याद रहेशे के त्यां मारे जईने भगवत नाम लेवानुं छे, अमने याद केवी रीते रहेशे? बोलो, शुं गेरंटी छे के तमने याद रहेशे कि ए लोक मां जईने तमारे भगवत नाम लेवानुं छे, ठाकुरजीना शरण मां रहेवानुं छे? बोलो, तमने याद रहेशे के नहीं रहे? शुं लागे छे तमने? अरे जे जे अमने तो गई काल नु प्रवचन याद नथी रहेतो, हवे मर्या पछी क्या अमने याद रहेवानो के अमारे त्यां जईने अमारे भगवत नाम लेवानुं छे, के अष्टाक्षर नु नाम अमारे जपवानुं छे? कल का प्रवचन आपको याद नहीं होगा, कल कौन से बालक बिराजे छे, कल कौन से बालक का प्रवचन था,
क्या विषय ऊपर फलाना जे जे प्रवचन करो बोलो हवे कोई कही सको छो विस्तार थी। अरे विस्तार छोड़ो तमे समरी पण करी सको छो। आपणे आम झाटकी ने आपणे उभा थईए छीए ने प्रवचनोमांथी એ પ્રવચન નું વિષય પણ ત્યાંનું ત્યાં જ રહી જાય છે। હવે તમને ક્યાંથી યાદ રહેશે કે તમારે મર્યા પછી એક તો તમારે ભાઈ તમે ઉપરના લોકોમાં જાઓ તો એ ઘડી ઠીક છે, ત્યાં બધા જરા ભગવદીઓ છે, કોઈ જપ કરતા હશે, કોઈ ઋષિ મુનિ તપ કરતા હશે, કોઈ કંઈ કરતા હશે તો કદાચ ત્યાં તમને યાદ આવી જાય। હવે જો તમે નીચેના લોકોમાં ગયા અતલ વિતલ સુતલ તલાતલ રસાતલ મહાતલ કે પાતાલ આ સાત માંથી કોઈ એક લોકમાં ગયા ત્યાં જઈને તમને યાદ રહેવાનું છે કે તમારે ભગવત નામ લેવું છે? આપકો કેસે યાદ રહેગા? તો હવે શું કરવું પછી? તો ઇસકા ઉત્તર શ્રી વ્રજરાયજી બહુ સુંદરતા સે અપનકો ટીકા મેં સમજાતે કે અગર આપ જીતે જી, અભી અપન જિંદા હૈ, અભી અપને શરીર ધારણ કિયા હૈ, અભી અપન જિંદા હૈ, જીતે જી અગર આપ કેવલ શારીરિક રૂપ સે ભગવત નામ લોગે, અમે ખાલી શરીર થી ભગવત નામ લીધું એટલે આજે આપણે જે સેવા કરીએ છીએ ને એ શરીર થી છે, એ મન થી નથી કરતા, શરીર થી। એવી જ રીતે અગર જો આપ કેવલ શારીરિક રૂપ સે આપ ઠાકુરજી કી શરણાગતિ સ્વીકારોગે તો જબ આપકા દેહ ભસ્મીભૂત હો જાયેગા તો તમને યાદ નથી રહેવાનું, આપ ભૂલ જાઓગે, આપકો યાદ નહીં રહેગા, ક્યોંકિ આપને કેવલ શરીર સે ઠાકુરજી કી સેવા કરીએ, કેવલ શરીર સે ભગવત નામ લીયા હૈ તો જબ તક શરીર હૈ તબ તક સેવા હૈ તબ તક ભગવત નામ હૈ, શરીર ગયા ભગવત નામ ભી ગયા। લેકિન અગર જો આપ મન સહિત મન બુદ્ધિ સહિત અગર જો આપ ભગવત નામ લોગે સેવા કરોગે તો આપકો મરને કે બાદ ભી યાદ રહેગા, ક્યોંકિ મેને આપ લોગોં કો પહેલે ભી બતાયા કે જીવ કે શરીર કે અંદર 28 તત્વ હોતે હૈ, આપકે 11 ઇન્દ્રિય અથવા તો 10 ઇન્દ્રિય, 5 પ્રાણ, 4 અંતકરણ, 3 ગુણ સાત્વિક રાજસ્તામસ ઓર 1 કાલ, કેટલા થયા? 28 થયા, યે આપકે 28 ઓર પંચ મહાભૂત, હા 23 અને 5 28 તમારા પંચ મહાભૂત। જબ આપ શરીર કા ત્યાગ કરતે હો, જબ અપને શરીર કા અંતિમ સંસ્કાર હોતા હૈ તો કેવલ પંચ મહાભૂત યહાં પે રહે જાતે હૈ, केवल पंच महाभूत या भस्मीभूत हो जाएंगे, पृथ्वी में वापस पंच महाभूत में ही लीन हो जाएंगे, बाकी 23 तत्व से आपका सूक्ष्म देह का निर्माण होता है और उन 23 तत्वों को लेकर ही आप स्वर्ग या नरक भोगते हो। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 23 तत्वों के अंतर्गत ही आता, आपका अंतकरण, अंतकरण पूर्वक अगर जो आप भगवत सेवा करोगे, जीते जी आप अगर सेवा करोगे, शरणागति लोगे, अगर आप भगवत नाम लोगे तो आपको मरने के बाद भी याद रहेगा, गारंटी है आपको मरने के बाद भी याद रहेगा, क्योंकि यही 23 तत्वों से आप स्वर्ग नरक भोगते हो और इसी 23 तत्वों को धारण करके आपका पुनर्जन्म होता है अगर जो हुआ तो। आपका सूक्ष्म देह सेम रहता है, आपका सूक्ष्म देह नहीं बदलता, केवल आपका स्थूल देह बदलता रहता है। 84 लाख योनि में जो आपका देह बदलता है वो केवल स्थूल देह बदलता है, पंच महाभौतिक देह बदलता है, जो मूल आपकी जीवात्मा है, जो मूल अपना भगवद अंश है वो तो सब जगह सेम ही रहता है, वो नहीं बदलता। इसलिए मन सहित बुद्धि सहित अंतकरण सहित जब आप भगवत नाम लोगे तो आपको अवश्य याद रहेगा, नरक में भी आपको याद रहेगा, नरक में भी आपको याद रहेगा कि आपको भगवत नाम लेना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो आपने मन सहित आपने अगर जो ठाकुर जी की सेवा करी है, भगवत नाम लिया है, तो पूरी संभावना है कि आपको 14 लोकों में आपकी स्थिति बनेगी ही नहीं, पूरी संभावना है कि 14 लोकों में आपकी स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन अगर कोई कारणवश बनी, कोई छोटा मोटा अपने से शायद जीवन में कभी कोई पाप हुआ हो और किसी कारण से इन 14 लोकों में तुम्हारी स्थिति थी, तो भी आपको याद रहेगा कि आपको ठाकुर जी के शरण में ही रहना है, सर्वथा शरणम हरि। और इसी बात को श्री महाप्रभु जी नवरत्न
दूसरे शब्दों में समझाते हैं कि तस्मात सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेव सततम स्थेयम इत्येव मे मति। नरक में भी आपका हस्ताक्षर चालू रहेगा, आपको स्वर्गवास मिला स्वर्ग में भी आपका हस्ताक्षर चालू रहेगा, ताकि जब आपका स्वर्गवास पूरा हो तो वहां से आप वापिस भूलोक में नहीं आओ, आप सीधा गोलोक में ही जाओ। सत्वलोक में अगर आप गए तो वहां भी आपका हस्ताक्षर चालू रहेगा, पितृलोक में अगर आप गए तो वहां भी आपका हस्ताक्षर चालू होगा, और ठाकुर जी नहीं करे कि अगर आप पाताल लोक में भी चले गए तो वहां पे भी आपका हस्ताक्षर चालू रहेगा। श्री कृष्ण शरणम मम एहि के पार लोके च सर्वथा शरणम हरि। अब श्री ब्रजराय जी आगे लिखते हैं कि अब आश्रय मां आगलना जे चार श्लोको छे दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूर्णे ने इनी आगलना जितला पण श्लोको छे उन सभी श्लोकों में श्री महाप्रभु जी ने व्याकरण के अनुसार सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। संस्कृत व्याकरण में पाछू थोड़ा व्याकरण नु ज्ञान आपू छू एटले बहु गबराता नहीं, शांति थी सांभळजो, ध्यान थी सांभळजो। संस्कृत व्याकरण के अनुसार जो आपके शब्द बनते जो सेंटेंस बनते हैं उन सेंटेंस में सात विभक्तियां होती हैं। आपको जिस समय जिस टाइप की बात करनी होती है उस टाइप से आप विभक्ति का प्रयोग करके उन शब्दों का प्रयोग करते हो कि जिससे आपको शब्द का अर्थ आपको समझ में आए। तो श्री ब्रजराय जी यहाँ पे लिखते हैं, अब मैं आपको सात विभक्ति एक बार बता देता हूं कि जब भी आपको मैं खुद की बात करनी है अहम की बात करनी है तब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, मैं उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। और जब भी आप ये बोलते हो ना कि मने आ आपो मुझे ये दो तब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, मने आ आपो बे थे अहीं एटले अहीं द्वितीय विभक्ति नो प्रयोग थाय छे। तीसरा मेरे द्वारा ये कार्य सिद्ध हुआ, जब भी आप इस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हो तो वहां पे संस्कृत में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, मारा थकी आ कार्य सिद्ध थयो अथवा तो मारा द्वारा मैं करियो ने आ कार्य सिद्ध थयो। आ रीते जारे पण तमे शब्दों नो उपयोग संस्कृत में करो छो त्यारे तृतीय विभक्ति नो प्रयोग थाय छे। मेरे लिए ये कार्य सिद्ध हो, मारा माटे आ कार्य थाओ, जारे पण तमे आ रीते वात करो छो के आ रीतनो विचार करो छो तो त्यारे चतुर्थी विभक्ति नो प्रयोग थाय छे। मारा थी मेरे से ये कार्य सिद्ध हुआ, अहीं पंचमी विभक्ति नो प्रयोग थाय छे। षष्ठी विभक्ति में मेरा मारू, जब भी आप मारू कहो छो ना त्यारे षष्ठी विभक्ति नो प्रयोग थाय छे। मारो छोकरो, मारी छोकरी, मारो घर, मारा बाळको, मारा सगा संबंधी, मारो पैसो, आ बधु जे तमे शब्दों नो उपयोग करो छो ने ए संस्कृत मां षष्ठी विभक्ति नो प्रयोग थाय छे त्यारे। और सप्तमी विभक्ति में मुझ में, जब भी आप बोले ना मारा मां आ गुण छे, मारा मां आ दोष छे, मारा थी आ थई गयु, मारा थी आ थई गयु, तो जब भी आप इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करते हो तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो श्री ब्रजराय जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि आश्रय के चार श्लोकों में 10, 11, 12, 13 ये चार श्लोकों में 13वें श्लोक तक में नहीं, दुख हानौ तथा पापे वहां से चालू करके 13वें श्लोक में अलौकिक मनस सिद्धौ, यहां तक जो श्री महाप्रभु जी ने अलग अलग परिस्थितियां बताई हैं उन सभी परिस्थितियों में महाप्रभु जी ने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है। अब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग यानी दुख हानौ अर्थात दुख ने हानि मां, पापे पाप ने स्थिति मां, भय भय ने स्थिति मां, कामाद्य पूर्णे कामनाओं की अपूर्ति में, सभी में मे शब्द का प्रयोग आएगा। दुख ने हानि थाय तो पण सर्वथा शरणम हरि, पाप मां सर्वथा शरणम हरि, कामनाओं की अपूर्ति मां सर्वथा शरणम हरि, भक्तों नो द्रोह तमारा थी कोई भक्त नो द्रोह थई गियो सर्वथा शरणम हरि, कोई भक्ते तमारो द्रोह कर्यो सर्वथा शरणम हरि, भक्ति के अभाव में सर्वथा शरणम हरि, भक्ते अतिक्रमे
भक्तों के द्वारा अगर कोई अतिक्रमण, कोई अत्याचार हुआ, सर्वथा शरणम हरि, अशक्य परिस्थिति में सर्वथा शरणम हरि, सुशक्य परिस्थिति में सर्वथा शरणम हरि, अहंकार की कृति में जब आपसे कोई अहंकारवश कोई कार्य बने, अहंकार जब आपको उत्पन्न हो तो अहंकार की कृति में सर्वथा शरणम हरि, पोष्य पोषण रक्षण, लोगों का भरण पोषण करने में सर्वथा शरणम हरि, पोष्य अतिक्रमण, जिन लोगों का भरण पोषण कर रहे हो वो अगर जो आपके साथ कोई अन्याय करें, कोई अत्याचार करें आपके ऊपर, सर्वथा शरणम हरि, अंतेवासी अतिक्रमण, अंतेवासी यानी आपके शिष्य, आप अगर किसी भी प्रकार से किसी गुरु स्थान में हो और आपके शिष्य जो अगर आपके ऊपर अत्याचार करें, सर्वथा शरणम हरि, अलौकिक मनस सिद्ध, मन में अलौकिक भाव को सिद्ध करने में भी सर्वथा शरणम हरि। भले महाप्रभु जी ने एक बार सर्वथा शरणम हरि लिखा है, लेकिन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करने के कारण एक एक शब्द के साथ आपको सर्वथा शरणम हरि जोड़ना पड़ेगा। अब एक एक परिस्थिति ने अपने डिटेल में विचार कर सु, घबराओ नहीं। दुखनी हानि में सौथी पहली आ गया दुख हानो, दुखनी हानि में एटले कि जब आपके प्रयत्नों के बिना दुख अगर अपने आप दूर हो जाते हो, अवे आपके जीवन में दुखद प्रसंग आए, कोई दुखद संजोग आए, कोई दुखद परिस्थिति आई, लेकिन उसको दूर करने के लिए आपने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए, भगवद इच्छा से या भगवद कृपा से वो दुख अपने आप दूर हो जाए, तब भी सर्वथा शरणम हरि। क्योंकि महाप्रभु जी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अपन ठाकुर जी को केवल दुख में ही याद करते हैं। जब आपका दुख दूर हो जाता है, जब आपके अच्छे दिन आते हैं, तब आप ठाकुर जी को याद करते हैं, तब आपको ये याद आता है कि अरे ठाकुर जी कृपा से दुख दूर हुआ, अरे आ दुख दूर करवा वाला ठाकुर जी छे, तुमने ठाकुर जी याद आवे छे, नहीं आता। भले बोलवा खातिर तमे बोलो, चार लोकोनी वच्चे तमे बोला ना 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 करवाड़ा तो बधा ठाकुर जी छे, पण अंदर खाने तमने पण खबर छे, अरे हूँ करूँ एटले मारू कार्य थई जाए, चुटकियों में मारू कार्य थई जाए, हूँ आ करूँ एटले मारू आ कार्य थई जाए छे, अंदर आपणे जाणीए छे। तो महाप्रभु जी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके अटके हुए कार्य जब भी बिना आपके विशेष प्रयत्न के सिद्ध हो जाए, तब भी सर्वथा शरणम हरि, ठाकुर जी के शरण की भावना करो, उनकी कृपा से ही आपका वो कार्य सिद्ध हुआ है। क्योंकि महाप्रभु जी को मालूम है कि जब आप ठाकुर जी को कब याद करते हो, अरे जे जे हमें तो अपना दास चाहिए, हमें तो अपना सेवक चाहिए, आप तो जे जे छो ने, आप तो जगदीश छो, आप तो परमात्मा छो, परम पिता छो, आप बदा शब्द तमारा मोड़े थी क्यारे निकले छे, आप तो जे जे बहु कृपाणु छो, बहु दयालु छो, आप तो पुरुष नहीं महापुरुष छो, साक्षात वल्ल, आ बदा शब्दों तमारा मोड़े थी क्यारे निकले छे, जारे तमे कोई विपरीत संजोगों में हो छो। आ बद्दी वातो तमे त्यारे ज करो छो, तमे त्यारे ज फोन पण करो छो, तमे वल्लभपुर ने क्यारे फोन करो, क्यारे याद करो, जारे जीवन में विपरीत संजोगों चालता हुए, नहीं तो बाकी घर में प्रसंग ना प्रसंग निकली जाए ने तमे कोई दंडवत पहुंचावता नहीं। छोकरा ना लग्न थवा, लग्न थई जाए, लग्न पण थई जाए, इने छोकरो पण थई जाए, एक बार एवं एक बार बनी गयो, एक वैष्णव एमनी पोत्री ने लईने आया कि जेजे आने कंठी आपी छे, मैं तमारा लग्न क्यारे थया अने तमने बाळक पण थई गयो, हा जेजे आ कोरोना समय में थई गयो जेजे बधुं, अरे ठीक है। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि हर वैष्णव को सब फोन करके बताना चाहिए कि हाँ जे जे ये चल रहा है वो चल, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं वैष्णव की मेंटालिटी, ज्यादातर वैष्णव ऐसे ही करते हैं कि अच्छे समय में याद नहीं करेंगे, जे जे के पास दंडवत करने कब आएंगे, जब उनको जे जे से कोई काम होगा। तो ऐसे महाप्रभु जी बात अच्छे से जानते हैं कि जब तक वैष्णव को ठाकुर जी से काम नहीं पड़ता ना, तब तक कोई ठाकुर जी को याद नहीं करते, इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते कि जब आपके दुख अपने आप भगवत कृपा से दूर हो जाए, तो ये मानो कि ठाकुर जी कृपा से दुख दूर हुए और उसमें भी ठाकुर जी के शरण की भावना करो।
और दुख दूर होने के बाद आपका भगवद आश्रय नहीं छूटना चाहिए। दुख में तो चलो आप एक घड़ी भगवद आश्रय कर लोगे, नाना जे जे अरे आप मने कोई पाठ बताओ कि जेथी मारो आ दुख टड़ी जाए। तो दुख में तो आपका भगवद आश्रय सिद्ध हो जाएगा, लेकिन दुख दूर होने के बाद भी आपका भगवद आश्रय नहीं छूटना चाहिए। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि दुख की हानि में भी, यानी जब आपके दुख दूर हो जाए तब भी सर्वथा शरणम हरि, ठाकुर जी के शरण की भावना करो। फिर आज्ञा करते तथा पापे। श्री गुसाइन जी समर्पण के स्वतंत्र लेख में आज्ञा करते हैं कि पाप और अपकीर्ति ये सेवा में सबसे बड़े प्रतिबंधक हैं। इसलिए वैष्णव तरीके अपना ये कर्तव्य है, अपना ये फर्ज है कि अपने को ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए कि जिससे अपन को दोष लगे, अपन को किसी प्रकार का पाप लगे और अपने संप्रदाय का नाम खराब हो, अपकीर्ति हो। अपन को ये दोनों बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, घर में बूढ़े माता पिता या वृद्ध माता पिता की या बीमार कोई घर का कोई सदस्य हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ के ना, करनी चाहिए, पाकू नक्की बात छे, कोई ने कोई डाउट नथी। एक बाजू तमे कोचो कि आपड़ा थी गणेश जी नी सेवा नहीं थाय, आपड़ा थी देवी नी सेवा नहीं थाय, शिव जी नी सेवा नहीं थाय, कोई बीजा देवी देवताओं नी सेवा नहीं थाय, पण बीजा मनुष्य नी सेवा थाय। तमे देवताओं नी तो सेवा करता नथी अने बीजा मनुष्य नी सेवा करो छो, मनुष्य नी सेवा थाय आपड़ा त्या केम? आपड़ो दोगलो पण नथी, आ दोगलो पण नथी तो शू छे पछी? बोलो, तमे देवताओने पूछता नथी, देवताओनी सेवा करता नथी, देवताओनी सेवा आपड़ा त्या निषेध छे अने तमे मनुष्यनी सेवा करो छो। श्री गुसाइन जी आज्ञा करते हैं अपने समर्पण के स्वतंत्र लेख में, सबसे पहले तो एक बेटा या बेटी तरीके अपना ये कर्तव्य है, अपन किसी के बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी के भाई है, किसी के मामा है, किसी की मामी है, किसी के काका है, किसी की काकी है, सबके अपन किसी ना किसी के कुछ ना कुछ अपन लगते हैं, और लगने के कारण इन सभी प्रकार के लोगों के प्रति अपना कर्तव्य जो बनता है सो बनता है। काका तरीके आपका एक कर्तव्य है, पिता तरीके आपका कर्तव्य है, काकी तरीके आपका कर्तव्य है, बेटा तरीके कर्तव्य है, बेटी तरीके कर्तव्य है, पत्नी तरीके आपके कर्तव्य अलग है, माँ तरीके आपके कर्तव्य अलग है। तो इन सब कर्तव्यों के अंतर्गत रहते हुए आपको कार्य करना है। आप ठाकुर जी की सेवा के नाम पे या पुष्टि मार्ग या पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के नाम पे, अथवा तो कितने लोग पुष्टि मार्ग की अप्रस के नाम पे घर वालों को तकलीफ में रखें तो अपन को पाप लगता है, नक्की बात है। लोग क्या बोलेंगे, अरे माता पिता तो इना पानी 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 करता तरसी गया, पण पेलो तो अप्रस ना नाम पर झारी भरतो रही गयो। बोला अवे पुष्टि मार्ग नु तमे शु प्रचार के, तमे जाते प्रचार कर्यो नथी पण समाज मां शु देखाय छे? ना भाई, एटले ज आजनी परिस्थिति शु थई गई, लोको मर्जादियोनो घरे छोकरी आपता नथी। केम नथी आपता? के ना ना, जे जे आ लोकोनी अप्रस बहु कड़क छे। दूसरा, अपन को पाप लगे सो अलग, घर वालों को अगर आपने कष्ट में रखा अपरस के नाम पे, सेवा के नाम पे आपने घर वालों को कष्ट में रखा, उसका आपको पाप लगेगा सो अलग। दूसरा, संप्रदाय की निंदा हुई, ठाकुर जी की निंदा हुई, आपके गुरु श्री महाप्रभु जी की निंदा हुई, ये सब निंदा का भी अपन को पाप लगता है कि अपन ने ऐसे कोई कार्य किए या अपने अमुक ऐसे कार्य हुए जिस वजह से अपने संप्रदाय का भी नाम खराब हुआ, अपने गुरु का भी नाम खराब हुआ और अपने ठाकुर जी का भी नाम खराब हुआ।
तो ये सब नहीं हो ये देखने की जवाबदारी अपनी है। देखो मैं ये नहीं कह रहा किसी भी वैष्णवों को कि आप लोगों को घर पे अप्रस नहीं रखनी चाहिए, घर पे ठाकुर जी की सेवा में मेंड और अप्रस अवश्य रखनी चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। ठाकुर जी की सेवा में एक स्वच्छता एक शुद्धता रखनी बहुत जरूरी है, पर कितना रखना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। और ये कितनी अप्रस और कितनी मेंड रखनी चाहिए ये वैष्णव टू वैष्णव चेंज होगा, आप देखा देखी करके नहीं रख सकते। आपकी अगर सेम परिस्थिति है तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आप देखा देखी नहीं कर सकते। आपके घर की परिस्थिति में जो आप बढ़िया से बढ़िया अप्रस रख सको वो अप्रस आप रखो, ऐसी अप्रस मत रखो कि अप्रस के नाम पे आपके घर वालों को तकलीफ पड़े। इतनी कड़क अप्रस मत रखो कि आपके घर के लोग ठाकुर जी और संप्रदाय से कट जाए। आज आगे की पीढ़ी घबराती क्यों है सेवा में आने से, कि अपन ने अपरस के नाम का हवा बना दिया है, अपन ने सेवा के नाम का हवा बना दिया कि वो लोग घबराते हैं संप्रदाय में आने से। देखो एक बात मैं हमेशा वैष्णवों को बोलता हूं और एक बार आज मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठाकुर जी के लिए अपरस है, अपरस के लिए ठाकुर जी नहीं है। अपरस निभाने के लिए अपन घर पर ठाकुर जी को नहीं पधराते, पर ठाकुर जी के लिए अपरस है। तो आप जितनी सेवा करते हो उसमें जो बढ़िया से बढ़िया अच्छी से अच्छी मेंड आप रख सको उतनी रखो, इतनी ज्यादा भी मेंड मत रखो कि ठाकुर जी अरे कि घर वाले घबरा जाए और घर वाले सेवा में नहीं जुड़े। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि घर वालों को जोड़ने के लिए आप पूरा मेंड ही कॉम्प्रोमाइज कर दो, पुष्टि मार्ग का बेस को ही खत्म कर दो, ऐसा घोटाला भी मत कर। ना ना जेजे माम ने एक बार प्रवचन में कीधू तू कि तमारे मेंड रखवानी जरूर नथी तो घरना लोको बद्दा सेवा मावसे, नहीं, बैलेंस बना के चलना आपके लिए बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा भी मत करो कि कोई जुड़े नहीं, इतना कम भी मत करो कि पुष्टि मार्ग ही खत्म हो जाए, वरना अपन को पाप लग सकता है। इसलिए अपन को ऐसे कोई कार्य नहीं करने चाहिए कि जिससे अपन को किसी भी प्रकार से पाप लगे। और बाय चांस ठाकुर जी नहीं करे कि अगर आपको पाप लग गया, किसी भी प्रकार से आपसे कोई अपराध हो गया, चाहे वो सेवा में हो चाहे घर वालों का हो, किसी प्रकार का अगर अपराध हो गया, सर्वथा शरणम हरि, जानबूझ के अगर आपने कोई पाप किया है तो वो पाप करने के बाद उसकी निवृत्ति करने के लिए आप कोई उपाय और किए बिना सर्वथा शरणम हरि। अरे मारा थी आप पाप थी गया हवे मारे शू करू हूँ आ करू कहीं करवानी जरूर नहीं। ठाकुर जी के शरण की भावना कर लो, ठाकुर जी के आगे दंडवत कर लो, ठाकुर जी के आगे अपनी नाक रगड़ लो कि ठाकुर जी मने माफ कर जो, मारा थी आप भूल थी गई, मारा थी अपराध थी गये, मारा थी आप भूल थी गई, ठाकुर जी के शरण की भावना ले लो। और कोई विशेष प्रयत्न मत करो, विशेष प्रयत्न करने के चक्कर में आप अन्याश्रय करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा अगर आपसे अनजाने में पाप हो गए तो अबे जाणीने पाप करो तो ठीक छे, आपने खबर छे ने आपने माफी मांगी लीए, ठाकुर जी नी शरणागति स्वीकारी लीए, अबे भूलती जो भूल थई गई तो अबे शू करवू। अमारी जोड़े घणी वार आवो प्रसंग बने छे, हमारे घर के पूर्वजों का एक प्रसंग है, हमारे घर के बड़ों से हमने ये प्रसंग सुना था, कहाँ का है क्या है मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं दूंगा वरना पता चल जाएगा। एक हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी के समय की बात है, एक मर्यादी वैष्णव के हाथ का श्रीखंड बहुत फेमस था, मर्यादी थे और बहुत सुंदर श्रीखंड बनाकर लाते थे वो। तो एक बार क्या हुआ, उस वैष्णव के यहाँ हमारी पधरामनी मतलब हमारे बड़ों की पधरामनी थी, तो घर का एक मेंबर लेने आया और ड्राइवर साथ में आया, गाड़ी में आए और बिठा के उनको पधरामनी में लेके जाए। अब उनने क्या किया, ड्राइवर ने वो वैष्णव ने विनती करी कि जे अहिया एक 5 मिनट तो मने काम छे, हूँ जरा 5 मिनट में आओ। ठीक छे जे आओ, तो मैं कहीं वांधो नहीं। वो गए, अब उसने गाड़ी जहाँ रोकी थी वो एक मिष्ठान भंडार था, मिठाई की दुकान। अब मिठाई की दुकान के बाहर गाड़ी रोकी
अंदर से एक डब्बा लेके आ गए, अंदर से एक डब्बा लेके आए, घर गए, घर जाके उस डब्बे को खोला, दूसरे डब्बे में खाली किया, उसमें श्रीखंड था, वो श्रीखंड को दूसरे डब्बे में खाली किया, उसमें केसर बादाम पाचरी वगैरह सब मिक्स किया, कंतान और रेशमी में लपेट के फिर दूसरे चांदी के बर्तन में उसको खाली, जे जे अब यहां पर हो, ये अनजाने में होने वाले पाप। और ऐसे पाप हमसे बहुत बहुत बार हुए, कितने सारे वैष्णव पधरामनी में ये गलती करते। अब तो मैं तो बहुत बार अपना नियम बना लिया मैंने कि मैं वैष्णव से एक बार पूछ ही लेता हूं, बाकी नहीं तो कितने वैष्णव ये गड़बड़ करते हैं कि वल्लभ कुल जब उनके यहाँ पधरामनी में आते हैं तो अन्न प्रसादी लाके उनके आगे रख देते हैं कि नाना जे जे एकदम कोरू छे, एकदम ताजू आपना माटे छे, अपन छे तो असमर्पित ने, प्रभु ने धरेलू छे, तो ना जे जे, तो पछे हवे अमने दोष लागसे के नहीं लागे। अगर धारो कि मैं नहीं पूछू, ना ना आ तो अमारा जूना वैष्णव छे, एमने बधु खबर छे, एमने आ तो बे पीढ़ी ना वैष्णव छे, एमने बधु खबर होवी जोईए, और मैं नहीं पूछू और मैं वो खा लू, असमर्पित नो दोष मने लाग्यो के नथी लाग्यो। हवे जाणीने मैं असमर्पित नथी लीधो, पण भूल थी मारा थी आ पाप थई गयो, हवे मारे शुं करवुं छे? सर्वथा शरणम हरि, ठाकुर जी के शरण की भावना करो। तो जब आप जानबूझ के कोई पाप करो तब भी सर्वथा शरणम हरि, अनजाने में अगर आपसे कोई पाप हो जाए और पीछे से कभी मालूम पड़े तब भी सर्वथा शरणम हरि। पाप की निवृत्ति के लिए कोई विशेष प्रयत्न किए बिना सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के शरणागति की भावना करो, ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। कि जे जे अवे मारो जे अपराध छे, मारो जे पाप छे, अवे आप दूर करशो, आप ज करवाना छो, ठाकुर जी के माथे जिम्मेदारी डाल दो, अवे ठाकुर जी आपकी अडेक है, अवे मारी अडेक नथी, अवे मारा त्या पाप थई गयो, अवे आपे दूर करवानुं छे, अवे आप जाणो, अब जेम जाणो तेम। तो दुख हानो तथा पापे, फिर आता भय। जब भी आप जीवन में आप किसी भी कारण से आपको भय मन में उत्पन्न हो, चाहे लौकिक परिस्थितियों में, चाहे अलौकिक में, चाहे सेवा में कोई अपराध के कारण आपको भय उत्पन्न हो जाए, लौकिक भय हो, अलौकिक भय हो, किसी भी प्रकार का आपको जीवन में भय जब लगता हो तब भी सर्वथा शरणम हरि। ठाकुर जी सब उत्तम ही करेंगे, जो सबसे उत्तम होगा वही ठाकुर जी करेंगे। फिर आता है कामाद्य पूर्णे, कामनाओं की अपूर्ति में, आपके मन में आपने अमुक इच्छाएं करी, आपकी इच्छा अगर पूरी हो जाए तब भी सर्वथा शरणम हरि, और कोई कारण से अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो तब भी सर्वथा शरणम हरि। ठाकुर जी के ही शरणागति की भावना करो, ठाकुर जी ने आपकी इच्छा से अलग कुछ और विशेष विचार के रखा होगा, इससे भी बेहतर कुछ विचार करके रखा होगा, इसलिए आपका वो कार्य सिद्ध नहीं हुआ। कामाद्य पूर्णे का एक और अर्थ बनता है, अगर आप उसको संस्कृत व्याकरण के अनुसार उसका संधि विच्छेद करोगे तो काम आदि की अपूर्णता में, काम आदि यानी आपके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ अगर आपके धर्म सिद्ध होता हो या चाहे नहीं होता हो, आपका अर्थ सिद्ध होता हो या चाहे नहीं होता हो, आपका काम चाहे सिद्ध होता हो या नहीं होता हो, आपके मोक्ष के लिए आपके प्रयत्न चाहे सिद्ध होते हो या नहीं होते हो, और मैं यहाँ पे पुष्टि मार्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा कर रहा हूं, मर्यादा मार्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की नहीं, और पुष्टि मार्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की चर्चा महाप्रभु जी ने चतुश्लोकी में करी है विस्तार से, उसकी चर्चा करेंगे तब अपन चतुश्लोकी का दर्शन करेंगे तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। तो पुष्टि मार्ग पुरुषार्थों की, पुष्टि मार्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों परिस्थितियों में अगर ये पूरे होते हो या चाहे नहीं होते हो, अपूर्ण भी रह जाते हो तब भी सर्वथा शरणम हरि, ठाकुर जी के ही शरणागति की भावना करो। और मुझे लगता है कि मेरा समय यहाँ पे लगभग पूरा होता है, मैं एक 5-10 मिनट जल्दी पूरा कर रहा हूं,
क्योंकि अमुक परिस्थिति ऐसी है, बड़े घर पे नहीं विराज रहे हैं और अमुक लोग जरा आए हुए हैं, मेरे को वो भी थोड़ा देखना है, इसलिए मैं आज का सत्र एक 10 मिनट जल्दी पूरा कर रहा हूँ। अगर किसी को आज के विषय से संबंधित कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप लोग लिख के रखें, कल अपन ठीक इसी समय पे अपन यहाँ पे एकत्रित होंगे, अपन फिर से सत्संग करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे होंगे, तो तब अपन आगे के विषय का अपन दर्शन करेंगे, आगे अपन अपने सत्संग को बढ़ाएंगे। इसलिए अभी अपन आज के सत्र को यहीं पे विराम करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछना मत, लिख के रखो, कल पूछ लेना। ओके, जय जय श्री पिताश्री पधारता, जय जय श्री फेसबुक बंद कर दो तो आपड़े पछी काले मड़ी। हाँ जी, बधा वैष्णव ने फरी।